यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर जोर तोड़ जारी है। बीएस येदियुरप्पा जहां सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों का आरोप भी लगाया है। विधायकों को बचाने के लिए उन्हें बेंगलुरु के रिजॉर्ट से आधी रात को निकालकर बस से हैदराबाद के लिए रवाना किया गया। रात 12 बजे दोनों दलों के विधायकों को लेकर 3 बसें बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए चली, जो कि सुबह 9 बजे पहुंची। इन विधायकों को हैदराबाद के होटल में रखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि हैदराबाद लाए गए कांग्रेस विधायकों में ज्यादातर नव निर्वाचित विधायक हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक में ही अपने आवास पर है और पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास भी जताया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी का मानना है कि वरिष्ठ नेता पार्टी के प्रति वफादारी दिखाएंगे। रामलिंगा रेड्डी, शमनूर शिव शंकरप्पा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अपने घर पर हैं और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायकों के साथ ही हैदराबाद जा रहे हैं। जेडीएस विधायकों की बस की कलून भी आगे निकल गई है।